दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है अल्कलाइन डाइट। जैसा कि अगर हम इस मॉडर्न जमाने में ऐसा एवी का ना खाएं, जैसा कि हेरोवेदा कहती है कि घी खाओ, मिल्क खाओ, जो ऐसा डाइट है उसे फॉलो करो। मगर हम अगर इसे फॉलो करें तो हम हेल्थी नहीं रहेंगे, क्योंकि हम इतना काम नहीं करते दिन में। अगर हम अपने हॉबीज में जाते हैं तो कार से जाते हैं, ज़्यादा हमारा बॉडी जो है वो वर्क नहीं करता। इसलिए हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है अल्कलाइन डाइट। अल्कलाइन डाइट एक ऐसा डाइट है जिसे फॉलो करके आप इस मॉडर्न ज़माने में हेल्थी रह सकते हो, और ये बहुत ईजी है। अब मैं बताऊंगी कि अल्कलाइन डाइट में कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं करनी है, जिन्हें अवॉइड करना है। पहले बेस्ट फूड, यानी एनिमल बेस्ट फूड, जो खाना एनिमल से आता है वो हमें नहीं करना है, जैसा कि मीट, एग, मछली, मिल्क, ये सब चीज़ें अवॉइड करने हैं, नहीं करनी है। और दूसरा है डेड फूड, यानी दुकान की चीज़ें या फिर पैकेज बंद फूड, ऐसे चीज़ें हमें नहीं खाने हैं। और तीसरा है जंक फूड, यानी जंक फूड जो भी है वो हमें नहीं खाने। और आटा जो है, अगर जो भी पैकेज बंद फूड हैं, यानी सफ़ेद चावल या फिर कोई भी ऐसे चीज़ें हैं जिन्हें हमें नहीं खाना है। अब हमें खाना क्या है इस डाइट में? बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें हैं। ऑलसम फूड, यानी जो खाना सीधा सीधा आता है, हम उसे चेंज नहीं, यानी हमें ब्राउन चावल खाना है सफ़ेद चावल के बजाय, हमें ये सब चीज़ें लेने हैं। पैर आता है प्लांट बेस्ड फूड, यानी जो खाना जो पेड़ पौधों से आता हो वो हमें खाना खाना। जो खाना सीधा नेचर से आता हो वो अगर हम खाएंगे तो हमारे बॉडी में बहुत अच्छा होगा। हम जो भी खाते हैं, वट वी हीट वट वी आर, यानी हम जो खाएंगे वो हम बनेंगे। अगर हम ऐसा चीज़ें खाएंगे जिसमें ज़िंदगी है, जिसमें एनर्जी है, और वो सीधा सीधा नेचर से आता है, वो हमें एनर्जी देता है और इससे हमें बहुत फ़ायदा मिलता है। जैसा कि ओवल जो है वो जो अल्कलाइन डाइट में अवॉइड किया है, मगर हम अगर चाहते हैं कि बिना ऑयल डाले हुए हमारा जो खाना है वो टेस्टी नहीं होगा, तो हमें ओरिजिनल ऑयल, यानी हम देसी घी, ओरिजिनल देसी घी या फिर ओरिजिनल डाइट में क्या होता है, जैसा कि हम खाना को इतना नहीं पचाते हैं, जैसा कि उसकी एनर्जी ख़त्म हो जाए, तो वो हमारी बॉडी में जाकर कुछ नहीं देता। आजकल के ज़माने में हम जो खाना खा रहे हैं अपने टेस्ट के लिए, उसको पकाते हैं, इसका जो एनर्जी है उसे ख़त्म करते हैं, फिर खाते हैं, तो हमारे बॉडी में जाकर जस्ट वेस्ट बन जाता है, हमें कोई फायदा नहीं देता। अगर हम खाना को जिसको जितना पकाना है उसे हम पका सकते हैं, और एक तरीके से, यानी हमें इतना नहीं पकाना है कि उसकी पूरा एनर्जी ख़त्म हो जाए, थोड़ा सा पकाना है, जैसा कि थोड़ा सा उसके हद तक पकाना है ताकि हम उसे खा सकें। और हमें ऑयल के बजाय ये सब डालने, मिर्च मसाला ये सब चीज़ें थोड़ा सा कम करने, यानी अपने खाने को इतना नहीं पकाना है कि उसकी सब एनर्जी ख़त्म हो जाए, और उसे इतना ऑयल नहीं डालना है कि वो हमारी बॉडी में जाकर हजम ना हो सके, और इतना मसाला नहीं डालना है, मिर्च मसाले ये सब चीज़ें नहीं डालनी है, ये हजम ना हो सके। तो हमें क्या लेना है, यानी सुबह के वक्त हमें फ्रूट लेना है, हमें 1 प्लेट फ्रूट लेना है। अगर हम सुबह के वक्त
फ्रूट लेंगे तो ये जल्दी डाइजेस्ट होंगे और हमारा जो ईलिंग पावर है वो काम करेगा। फिर आता है लंच का टाइम। लंच में हमें खाना क्या है, यानी हमसे हो सके जितना हम जो चावल है या फिर रोटी है उसे कम खाएं। रोटी को हमें पकाना कैसे है, रोटी में आधा कप आटा और एक कप हम सब्जी ले सकते हैं, यानी हम अपने आटे में ये सब डालें। हम टमाटर का रोटी बना सकते हैं, हम पालक का रोटी बना सकते हैं और इसे बनाने में बहुत अच्छा है और बहुत टेस्टी लगेगा। और हमें सब्जी खाना है, यानी सब्जी हम जो भी किस्म की सब्जी हम बनाएं इस वक्त खाएं। या अगर हमारा एक चावल, अगर हमारा एक रोटी है तो हमारे 4 या 5 बजे का टाइम हमें बहुत भूख लगता है और खाने का मन करता है। जिस वक्त जंक फूड और बिस्किट ये सब चीज़ों का मन करता है, मगर हमें ये सब चीज़ें नहीं खानी है। हमें इस वक्त क्या खाना है, हमें इस वक्त खाना है, हम फ्रेश जूस खा सकते हैं, पी सकते हैं और हम कोकोनट खा सकते हैं। कोकोनट बहुत टेस्टी होता है और बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए। और फिर आता है हमारे डिनर का टाइम। हमें 8 या 6 बजे ये सब ये तीनों के टाइम में हमें करना है। अगर हम अपना डाइट 6 बजे में लेते हैं तो हमें अपना ब्रेकफास्ट 10 बजे में करना है। यहाँ पर 16 घंटे का गैप है जिसको हम फास्टिंग कहते हैं। यह जो 16 घंटे का गैप है इसमें हमारे बॉडी को ईलिंग मिलती है और हमारे बॉडी डिटॉक्स होती है। कितना अच्छा तरीका है ना, हम आधी रात हम पूरे रात में सो रहे हैं और हम यह 2 या 3 घंटे में फास्टिंग कर रहे हैं। यानी इतना बड़ा चीज़ हमें समझ नहीं हो रहा कि हम फास्टिंग कर रहे हैं, मगर हमारा जो हेल्थ है वो अच्छा हो रहा है। हम जितना जल्दी अपना लंच करेंगे, डिनर करेंगे, उतना ज़्यादा हमें फायदा मिलेगा। यह है अल्कलाइन डाइट जिसे आप फॉलो करें और आप खुद देखेंगे क्या आपके ज़िंदगी में ज़्यादातर बीमारियां ख़त्म होंगे और आप बहुत हेल्दी रहेंगे। इसे फॉलो करना बहुत ही ईजी है और बहुत अच्छा है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अच्छा लगे